हाय दोस्तों, हर हर गंगे नमामि गंगे। अभी हम सुबह के 9 बजे आ चुके हैं गंगा घाट पे, और ये जो मार्ग है ये ऋषिकेश बाईपास से एंट्री मार्ग है, और इधर से जब जाएंगे तो कुशाघाट सबसे पहले पड़ेगा और उसके बाद हाथी वाला ब्रिज। चलते हैं, आपको पूरी जानकारी देते हैं हरिद्वार यात्रा की, क्योंकि अब कांवड़ मेला स्टार्ट हो चुका है और 8 मार्च तक हरिद्वार में जो भीड़ है वो अभी आप देखेंगे किस तरह से होने वाला है। और 8 मार्च के आसपास तो यहाँ पे खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होने वाला है। ये देख रहे हैं, बोले आ रहे हैं, भीड़ काफी ज्यादा होने वाला है। ये हम आ चुके हैं हाथी वाले ब्रिज के पास से। लास्ट वीडियो में हम इधर से गए थे शिव घाट होते हुए हरकी पैड़ी का डिस्टेंस यहाँ से मात्र 400 मीटर होगा। अभी सारे मार्ग से ऐसा जो कांवड़ यात्री है वो इसी मार्ग से आते हैं, भीड़ आपको इसी मार्ग में ही कांवड़ यात्री को देखने को मिलने वाला है। हाथी वाले ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप जा सकते हैं सुभाष घाट। ये वाली एरिया सुभाष घाट का है और माँ गंगा की जल की पावन दर्शन आप कर रहे हैं। घाटों में भीड़ सुबह सुबह ही देखने को मिल रहा है, हवा देख रहे हैं हल्की हल्की चल रही है और भीड़ घाटों में काफी ज्यादा है। मौसम काफी अच्छा हो चुका है, परसों की जो मौसम है वो काफी ज्यादा डराने वाली थी, पूरा दिन धूप नहीं आया था, लेकिन आज धूप सुबह से ही है। और ये जो दृश्य है वो आप देख रहे हैं 29 फरवरी का टाइम, हमने आपको बता दिया 9:00 हुए हैं। देख रहे हैं कुछ लोग गर्म कपड़े पहने हैं और कुछ लोग गर्म कपड़े नहीं पहने हैं, तो ठंडी अभी अब उतना तेज नहीं लग रही है, काफी कम ठंडी हो चुकी है। अभी घाटों में दुकान सज रहे हैं। अभी 9 बजे से पहले आपको इतना ज्यादा दुकान सजे हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ठंडी हवा चलती है, घाटों पे काफी ज्यादा ठंडी लगती है। जैसे घाट के समीप आएंगे वैसे वैसे भीड़ भी देखने को मिलेगा। अभी आपको काफी सारे कांवड़ यात्री जल उठाते हुए दिखाई देंगे घाटों पे जैसे ही प्रवेश करेंगे। ये है सुभाष घाट, अब आप सुबह सुबह ही देख रहे हैं 9 बजा है और भीड़ कितनी ज्यादा है। तो आप आएंगे तो आपको खास तौर पर रूम की जो एडवांस बुकिंग है वो आपको करके आनी पड़ेगी, और साथ में कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको जाननी जरूरी है हरिद्वार यात्रा के दौरान। खास तौर पर हरिद्वार ऋषि के साथ नीलकंठ महादेव की यात्रा कर रहे हैं तो आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ी परेशानी भी आपको हो सकती है, जैसे कि रूम की बुकिंग, और भी हम आपको छोटी छोटी जानकारी इस वीडियो में देंगे। माँ गंगा की बहती हुई जल की धारा आप देख रहे हैं, सूर्य की रोशनी काफी तेज है, लोगों की संख्या हर की पैड़ी की ओर बढ़ रही है। हवाएं तेज चल रही है, ऐसे घाटों पे हवाएं तो होती ही है चाहे कोई भी महीने हो, अगर सर्दियों के मौसम हो तो हवाएं ठंडी होती है, गर्मियों के मौसम में तो भी हवाएं ठंडी ही होती है, क्योंकि माँ गंगा की बहती जल की धारा 12 महीना ठंडी होती है। जो आपने मार्ग देखा वो है मोती बाजार कुशाघाट जाने का मार्ग, और ये आप देख रहे हैं दुकान सजे हुए हैं। और हम आ चुके हैं नीचे घाट पे, सुभाष घाट में आपको काफी ही सुविधा मिल जाता है रहने खाने के, और साथ में इस नाम के बाद देख रहे हैं काफी सारे चेंजिंग रूम बने हुए हैं। ये देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या डुबकी लगा रही है। यहाँ से हरकी पैड़ी अब कुछ ही दूरी में है, जहाँ से श्रद्धालु जल भरते हैं वो घाट है मालवी घाट, जो कि हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड के पास है, जहाँ पे अमृत की बूंद गिरे थे समुद्र मंथन के दौरान। जो अमृत कहा जाता है समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत लेके जाया जा रहा था वो यहाँ पे कुछ बूंद गिरे थे, उस घाट का नाम ब्रह्मकुंड है और वहाँ पे स्नान करना सबसे अच्छा माना जाता है। देख रहे हैं सुभाष घाट का दृश्य, पूरे घाटों पे आपको भीड़ दिखाई दे रहा होगा सुबह सुबह ही। ऐसे आप जब हमारे वीडियो देखते थे पहले तो इतना भीड़ नहीं दिखाई दे रहा था आपको, लेकिन अब सुबह सुबह भीड़ दिखाई दे रहा है और ये भीड़ लगभग 1 बजे तक दिखाई देगा। देख रहे हैं यहाँ पे श्रद्धालु की संख्या डुबकी लगा रही है, माँ गंगा के बहते जल की धारा।
जैसे जैसे हर की पैड़ी के समीप जाएंगे और भी भीड़ ज्यादा देखने को मिलने वाला है। आप सीधे जाएंगे नई घाट और इधर से आप सीधे जाएंगे हर की पैड़ी की ओर। इधर से आप नई घाट जाएंगे उसके हर की पैड़ी जाएंगे तो आपको ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। इधर से ब्रिज क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, आराम से आप हर की पैड़ी का दूसरा किनारे जा सकते हैं जहाँ पे चप्पल जूता निकालने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आप देखेंगे आज भी जल की धारा उतनी तेज नहीं है लेकिन बढ़ चुकी है, देख रहे हैं, ज्यादा नहीं कहेंगे लेकिन गंगा की जो जल की धारा है वो बढ़ चुकी है। ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं जो कि काफी सुंदर नजारे आपको देखने को मिल रहे होंगे। और ये है भागीरथ सेतु, कहा जाता है भागीरथी जी जब गंगा जी को लेके आ रहे थे तो आगे सप्रीति सरोवर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वीडियो जल्दी ही आने वाली है पूरी जानकारी के साथ। तो हम आपको सप्तऋषि सरोवर मार्ग में जहाँ पे सात ऋषि तपस्या कर रहे थे वहाँ का भी दृश्य दिखाएंगे। देख रहे हैं कांवड़ यात्रियों के लिए कांवड़ सजाने का जो सामान है आपको घाटों पे ही मिलेगा। ये हम आ चुके हैं भागीरथी सेतु के ऊपर और आप यहाँ से जो दृश्य देखेंगे काफी सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इधर नई घाट पे श्रद्धालु की संख्या जो कि डुबकियां लगा रही हैं, अस्थि विसर्जन कर रही हैं और मुंडन की विधि यहाँ पे किया जा रहा है। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये संजय सेतु जो कि सबसे प्रमुख सेतु है। इधर भी अगर हम सेतु के आगे की बात कहें तो इधर भी हर की पैड़ी जहाँ पे आपको चप्पल जूता निकाल के एंट्री आप करना होगा और इधर की एरिया अगर हम कहें तो आपको बिना चप्पल जूता के यानी चप्पल जूता के साथ भी आप एंट्री कर सकते हैं। इधर आपको चप्पल जूता निकालना पड़ेगा, इधर चप्पल जूता निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन चप्पल जूता लेके गंगा जी में प्रवेश ना करें। और ये है नए घाट का दूसरा किनारा जहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे आपको जल लेते हुए कांवड़ यात्री भी दिखाई देंगे। ऐसे तो जल लेते हुए कांवड़ यात्री संख्या सबसे ज्यादा होती है ब्रह्मकुंड घाट में, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था वहाँ की जानकारी। चलते हैं नीचे घाट का दृश्य आपको दिखाते हैं। देख रही हाथी वाली ब्रिज और साथ में शिव ब्रिज से लोगों की संख्या कितनी आ रही है। देख रहे हैं जल की धारा यहाँ पे कितनी तेज है। ऐसे तो यहाँ पे जल की धारा बागी घाटों पे तेज ना भी होगी तो भी यहाँ पे तेजी महसूस होता है क्योंकि यहाँ पे जगह सकरा है